गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग बायोलॉजी में एग्जामिनेशन के व्यू से एक टॉपिक अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को गुणसूत्रीय विकार भी कहा जाता है, गुणसूत्रीय दोष भी उसको हम कह सकते हैं। क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में ऐसे तो कई तरह के रोग होते हैं, कई तरह के डिसऑर्डर होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से एग्जामिनेशन के व्यू से कुछ जो पढ़ना है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में क्रोमोजोम क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी पर आगे आधारित है ये डिसऑर्डर, इसलिए पहले आइए हम लोग क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को देखते हैं जो एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो टॉपिक आपका क्या हो जाएगा? क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। तो ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर्स किस में? तो ह्यूमन में, है ना। कहाँ? तो इन ह्यूमन, मानव में मुख्य रूप से। तो ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में क्रोमोजोम क्या है, पहले इसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर यानी कि गुणसूत्रीय विकार या गुणसूत्रीय दोष या गुणसूत्रीय गड़बड़ियाँ, ये क्या है? तो इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं क्रोमोजोम क्या है। क्रोमोजोम, इससे पहले आप लोग सुने होइएगा इसको, गुणसूत्र को हिंदी में। और ये क्रोमोजोम एक्चुअली क्या है, तो अभी इतना जो ज़रूरी है उतना आपको जानना है पहले, तभी आगे हम समझ पाएंगे इसको। तो इसमें है क्या कि सेल के बारे में आप लोग जानते हैं, सेल के अंदर क्या है कि हम लोगों के जो कोशिका होती है उसके अंदर न्यूक्लियस भी एक होता है। इस न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है और इसमें चारों ओर से, अर्थात क्या है कि इसमें देखिएगा कि पूरे घना सा जाल सा बिखरा हुआ इसमें संरचना रहती है, इसको कहा जाता है क्या? तो क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क। तो ये क्रोमैटिन नेटवर्क जो होता है, यही सेल डिवीजन के समय में, कब? तो सेल डिवीजन के समय में यह क्रोमोजोम के रूप में, क्रोमोजोम के रूप में ये प्रकट होता है, जो कुछ इस तरह की संरचना आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये क्रोमोजोम जो है मनुष्य में नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, सामान्य अवस्था में, जब कोई दोष नहीं, कोई विकार नहीं है, सामान्य अवस्था में जब शरीर होता है किसी व्यक्ति का, तो उसमें इसकी संख्या क्या होगी? तो देखिए कि मानव में, ह्यूमन में क्रोमोजोम की संख्या क्या होता है, इसमें ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46 होते हैं, 46 ह्यूमन में, मानव में। तो यह तो हुआ नॉर्मल कंडीशन। अगर मेल होगा तो इसमें 46 क्रोमोजोम होंगे, लेकिन और फीमेल में भी, फीमेल जो है, फीमेल में भी 46 होंगे, ये भी रखते हैं हम, इसमें 46। लेकिन अंतर क्या होता है कि इसमें 44 क्रोमोजोम ऑटोसोम होते हैं और प्लस एक्स और वाई क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम होते हैं मेल में। लेकिन फीमेल के केस में क्या होगा कि इसमें 44 तो ऑटोसोम होंगे और प्लस एक्स या सेक्स क्रोमोजोम होंगे, यानी क्रोमोजोम भी, पहले ये बेसिक बात को जान लेना है किसी भी डिसऑर्डर को, यानी खासकर क्रोमोजोमल डिसऑर्डर में, किसी भी क्रोमोजोमल डिसऑर्डर को जानने के लिए ये बात तो जानना होगा आपको पहले। तो क्या है कि मनुष्य में 46 यानी कि होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन मेल में और फीमेल में 46, लेकिन मेल के केस में क्या होता है कि 44 ऑटोसोम और प्लस एक्स वाई यानी सेक्स क्रोमोजोम, फीमेल में डबल एक्स। एक्चुअली टोटल क्रोमोजोम जो 46 होगा, इसमें क्या है कि ऑटोसोम क्रोमोजोम, मैंने इसको दो भाग में बांट देते हैं, क्रोमोजोम को दो भाग में बांटते हैं, एक होगा ऑटोसोम और दूसरा जो होगा वह क्या होगा, तो सेक्स क्रोमोजोम।
ये जानना है पहले। तो ऑटोसोम जो होंगे, ये ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम, तो इसकी संख्या 44 और इसकी संख्या 2 होती है, जो कि बता ही दिए हैं कि मेल अगर होगा तो XY और फीमेल अगर होगी तो एक्स क्रोमोसोम होगा। ऑटोसोम, ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑटोसोम जो होता है इसको सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहा जाता है। इसको क्या है कि सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहा जाता है। ये सोमैटिक क्रोमोसोम, ये सोमैटिक क्रोमोसोम जो होंगे, यह क्या है कि शरीर के जो कैरेक्टर होते हैं उसको यानी कि यह रेगुलेट करता है, जबकि सेक्स क्रोमोसोम सेक्स से संबंधित करेक्टर को रेगुलेट करता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है मूल रूप से, यानी कि सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड होता है। अब क्रोमोसोम पर यह भी बात ध्यान रखना है आपको कि यह बना होता है DNA प्लस प्रोटीन के, DNA प्लस प्रोटीन के बने होते हैं, यह भी बात ध्यान रखना है। अब DNA जो होता है, DNA इसके क्रियात्मक इकाई को जीन कहा जाता है, यह भी जानना है। और यह जीन जो होता है वास्तव में, यह जैसे एक कैरेक्टर एक जीन, एक लक्षण एक जीन, तो अब यह क्रोमोसोम पर, चूंकि क्रोमोसोम पर गुणसूत्र में ये जीन पाए जाते हैं और यही कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रकट करते हैं और ले जाने का माध्यम क्या होता है, तो क्रोमोसोम होता है। तो यदि सोमैटिक क्रोमोसोम पर यानी कि ऑटोसोम के जीन में कोई दोष या गड़बड़ी आ जाए, या यह क्रोमोसोम इसमें कमी या अधिकता हो जाए, तो वह शारीरिक संबंधी समस्या उत्पन्न करते हैं, डिसऑर्डर उत्पन्न करते हैं, गड़बड़ी। और यदि सेक्स क्रोमोसोम के कमी या अधिकता यदि होगी तो सेक्स से संबंधित समस्या उत्पन्न होगी, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड समस्या उत्पन्न होती है, उसके साथ और भी करेक्टर प्रकट हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, उसको बारी बारी से देखेंगे। तो पहले ये मोटा मोटी तौर पर ये जान लीजिए कि क्रोमोसोम जो होता है वह क्या है। तो क्रोमोसोम DNA और प्रोटीन का बना होता है। DNA के क्रियात्मक इकाई को, खंड को, छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। यही जीन क्रोमोसोम में होते हैं। और क्रोमोसोम दो प्रकार का, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम पर जो जीन होगा वह जीन शारीरिक संरचना के बारे में, यानी कि उसके लिए जिम्मेवार होगा। और जो सेक्स क्रोमोसोम पर जो जीन होंगे, यानी कि इसमें एक्स और वाई आप जानते ही हैं मेल के केस में, और एक्स एक्स जो है ये फीमेल के केस में, जो हम नीचे लिख ही दिए हैं इसको, है ना, तो इसके केस में, तो ये इस पर जो जीन होगा वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्रिया को नियंत्रण करता है। अब इसी आधार पर ऐसे तो कई कैरेक्टर होते हैं, कई तरह के डिफेक्ट होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड, लेकिन जो कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर डिसऑर्डर है जो एग्जामिनेशन के व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अब ये तो नॉलेज के लिए आपको दे दिया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन होता है एग्जाम में जो सेट होता है उसके जवाब के लिए अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हमको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो पहला डिसऑर्डर है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, वह है क्या, तो डाउन सिंड्रोम, जो एग्जाम के व्यू से एग्जाम में पूछता भी है ना, डाउन्स सिंड्रोम। ये डाउन सिंड्रोम क्या है, तो देखिए कि डाउन सिंड्रोम जो होता है, ये डाउन नाम है ना, एक्चुअली क्या है कि, और अभी जस्ट हम बताए हैं आपको कि क्रोमोसोम को दो भाग में बांट दिए हैं, ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम। तो यह एक्चुअली क्या है कि यह सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड नहीं, यह ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ठीक है। यह ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब समझ ही रहे होइएगा, यानी कि ऑटोसोम के, यानी कि जो सोमैटिक क्रोमोसोम है उसमें गड़बड़ी आने के कारण, उसके जो सेट है या उसके में जो गड़बड़ी आ जाती है उसके कारण से ये उत्पन्न होता है। तो एक्चुअली क्या है कि पॉइंट में हम इसको नोट करते हैं कि इट इज, है ना, एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर रिपोर्टेड बाय लैंगडॉन
डाउन, ये 1866 में इसके बारे में बताए थे। ठीक है, यानी कि यह क्या है कि इट इज एन ऑटोसोमल डिसऑर्डर, यानी कि ऑटोसोम क्रोमोजोम से रिलेटेड ये क्या है कि डिसऑर्डर है जो रिपोर्टेड या फर्स्ट टाइम जो इसको पता लगाया गया वह किसके द्वारा, तो वह लैंगडॉन डाउन के द्वारा है ना। लैंगडॉन डाउन जो नाम है इसी नाम पर, इसी नाम के कारण हेंस है ना कॉल्ड क्या, तो डाउन सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम, ये बात को पहला ध्यान रखना है आपको। यानी कि यह ऑटोसोमल यानी कि ऑटोसोम क्रोमोजोम से रिलेटेड डिसऑर्डर इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या, तो और खोज किए थे कौन, तो डाउन साहब, इसलिए डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसमें पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वह क्या है, तो इट इज कॉल्ड बाय कैसे होता है, द इट इज कॉल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ना क्रोमोजोम, यानी कि एक इसमें क्रोमोजोम क्या होता है बढ़ जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोम, नंबर क्या उसका होगा, तो नंबर 21, हेंस कॉल्ड 21 ट्राइसोमी। यानी कि देखिए डाउन सिंड्रोम को 21 ट्राइसोमी भी कहा जाएगा, कारण तो क्रोमोजोम का जोड़ा सेट जोड़ा कितना होगा, तो 23 जोड़ा होगा, 23 पेयर्स, तभी तो 46 होगा ना, यानी कि इसको 46 बराबर 23 पेयर्स। तो अब यहाँ पर क्या है कि पहला सेट मानिए और इस तरह से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा इस तरह से, और मान लीजिए कि यहाँ पर 21वां सेट है, 21वां क्रोम सेट है क्रोमोजोम, यहीं पर क्या होता है कि एक अतिरिक्त क्रोमोजोम बढ़ जाता है, एक क्रोमोजोम बढ़ जाता है, माने एक सेट हो गया यहाँ, दूसरा सेट हो गया आपका यहाँ, तीसरा सेट, इस तरह से आप मान करके चलिए कि एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से 21 पर, 21वां पर क्या है कि ये क्रोमोजोम एक बढ़ गया, और उसके बाद 22 है, और फिर 23वां में मेल अगर होगा, अगर मेल होगा तो XY हो जाएगा मेल के केस में, और यदि फीमेल होंगे तो एक्स और एक्स सेक्स क्रोमोजोम हो जाएंगे। तो ये तो इधर तो हो गया 23 पेयर्स है, 21 के बाद आपको 22वां सेट भी इसको मान लीजिए, 22वां सेट 22 और तब 23। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है कि ये, लेकिन ये जो सेट देख रहे हैं कि इसमान नंबर पर ये तीन क्रोमोजोम यहाँ पर एक साथ सेट में आ गए, तो इसमें एक्चुअली है क्या कि ये इतना जो क्रोमोजोम देख रहे हैं यह क्या है, तो ऑटोसोम हो गया, इसलिए ऑटोसोमल लिख दिए हैं, और क्या है तो इधर क्या है तो ये है सेक्स क्रोमोजोम। अब देखिए सेक्स क्रोमोजोम जो है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन सोमैटिक क्रोमोजोम है जो ऑटोसोम है इसमें चेंजिंग आया है, एक अतिरिक्त क्रोमोजोम यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो इसलिए 21st ट्राइसोमी भी इसको कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तब इसमें होगा क्या कि द ऑफ स्प्रिंग्स हैज क्या, तो द ऑफ स्प्रिंग्स हैज कितना क्रोमोजोम हो जाएगा, नॉर्मल तो देख रहे हैं 46, लेकिन एक बढ़ गया तो क्या हो जाएगा 47 क्रोमोजोम्स है ना, इंस्टीड ऑफ 46, माने 46 के बदले कितना क्रोमोजोम हो जाएगा, 47 क्रोमोजोम हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और भी है कि कुछ स्टूडेंट ये कहते रहते हैं कि सर हिंदी में आप इसको बताइए, तो हम तो सारी बात हिंदी में ही बताते हैं सुविधा आपको हो इसके लिए, लेकिन हम लिखते हैं इंग्लिश में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आप सुन करके इसको, मैंने बार बार रिपीट करके सुन करके हिंदी में आप नोट तैयार कर सकते हैं, तो ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ पर कि द ऑफ स्प्रिंग्स है 47 क्रोमोजोम्स इंस्टीड ऑफ 46, यानी कि 46 के बदले में क्रोमोजोम एक अधिक आ गया। अब क्रोमोजोम पर जीन अधिक हो, जीन रहता है तो भाई इस पर तो एक तो अधिक क्रोमोजोम आया तो जीन भी बढ़ेंगे, तो इसके कारण से गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।
इधर क्रोमोजोम, अब इसमें कितना हो जाएगा? तो इसमें देखिए, इसमें क्रोमोजोम टोटल तो 45 होगा, माने 44 होना चाहिए, यहाँ तक 23 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 23 इसको हटा देते हैं हम, 22 तक रहेगा, 23वां को हम यहाँ ले आते हैं, 23वां से 23 दुना 46, तो अब यहाँ पर 22 तक है, माने 22 तक है, तो 22 दुना 44 होना चाहिए, लेकिन एक क्रोमोजोम बढ़ गया तो ये तो हो जाएगा 45, अब 45 क्रोमोजोम और यहाँ पर क्या है, मानी 23वां सेट है, 23 क्रोमोजोम नहीं समझे, 23वां सेट है ये, 22 के बाद 23, 23 है ना, लिख दिया ऐसा ना कि कन्फ्यूजन हो, तो 45 तो एक बढ़ गया तो 44 होना चाहिए था, यानी कि 44 होता है ना, 44 ऑटोसोमा प्लस सेक्स क्रोमोजोम, दो सेक्स क्रोमोजोम, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है। अब यहाँ पर 44 को जो क्रोमोजोम है, यह क्रोमोजोम तो इधर होना चाहिए 44, लेकिन हो जाता है 45, क्यों? क्योंकि 21st जो है, 21st यानी कि 22वां यहाँ लिख देते हैं, तो इस तरह आ ही जाएगा इसमें, तो 21st के स्थान पर क्या हो गया, तो एक क्रोमोजोम बढ़ गया। ठीक, अब इस क्रोमोजोम के बढ़ने के कारण क्या सिम्टम्स उत्पन्न होगा, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं समझने के लिए बाद में अपना। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं इसको, वो नॉर्मल कंडीशन में है, यहाँ एक बढ़ गया 44 के बदले 45 हो गया, क्योंकि एक इसमें पर बढ़ा है। ठीक है, तब लक्षण क्या उत्पन्न होगा, इसमें लक्षण को थोड़ा सा हम लोग देखें। एक अधिक क्रोमोजोम के आ जाने के कारण क्या गड़बड़ी या उत्पन्न होगा, तो देखिए पहला चीज इसमें कि सिम्टम्स किसका, सिम्टम्स तो डाउन सिंड्रोम का, यानी कि जो जीव उत्पन्न होगा उसमें क्या कैरेक्टर होगा उसको हम लोग देखेंगे, जानेंगे। यानी कि एक क्रोमोजोम अधिक हो गया तो उस पर जीन अतिरिक्त आ गया, उसके कारण से क्या उसमें डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसको हम लोग जानेंगे। तो पहला जो होगा कि जो जीव उत्पन्न, माने कि जो इंडिविजुअल उत्पन्न होगा उसमें क्या क्या लक्षण होंगे, सिम्टम्स, तो राउंडेड है ना, राउंडेड फेस, यानी राउंड फेस कहिए, ठीक है, तो राउंडेड फेस। उसके बाद क्या है, परमानेंटली ओपन माउथ है ना, माने मुंह हमेशा खुला हुआ रहेगा और फेस जो होगा चेहरा वह गोल मटोल होगा उसका। अब ऐसा नहीं कि किसी को गोल मटोल चेहरा देख लीजिए तो कहिए कि वह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, एक ही करेक्टर से किसी का निर्धारण नहीं हो सकता है, किसी रोग का या किसी लक्षण का किसी दोष का निर्धारण नहीं होता है, जो करेक्टर देख लिए तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये उसके बाद मुँह हमेशा खुला हुआ रहेगा, हिंदी में भी आप लिख सकते हैं चेहरा गोलाकार, मुँह हमेशा खुला हुआ रहना, और क्या तब प्रोट्रूडिंग, मतलब कि टॉन्ग जो होता है जब मुँह खुला हुआ रहेगा तो स्वाभाविक है कि जीभ भी बाहर वो क्या है कि निकला हुआ रहेगा, तो प्रोट्रूडिंग टॉन्ग, यानी कि जो जीभ होगा उसका वह क्या होगा तो बाहर निकला हुआ रहेगा। ठीक है, और कैरेक्टर क्या होंगे, तो शॉर्ट नेक, गर्दन जो होगा तो उसका क्या होगा, छोटा, मान कि कंधा में काफ़ी सटा हुआ रहता है, साथ ही साथ क्या है तो ब्रॉड उसका पाम विथ स्मॉल है ना, एक कैरेक्टर और भी इसका कि ब्रॉड पाम एंड विथ कर देते हैं विथ क्या तो स्मॉल फिंगर्स, इतने कैरेक्टर को ये इम्पोर्टेंट है जो इसको आपको ध्यान में रखना है, इतना लिख दीजिएगा एग्जाम में कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी कि चेहरा इसमें चेहरा गोलाकार होना, हमेशा मुंह खुला हुआ रहना, साथ ही साथ क्या है तो जब मुंह खुला हुआ रहेगा तो जीभ बाहर निकला हुआ रहेगा, तलहटी जो होगा तो वो चौड़ा होगा लेकिन फिंगर होंगे तो स्मॉल होंगे, फिर मेंटल रिटार्डेशन होता है इसमें ना, मेंटल रिटार्डेड मतलब मेंटल डेवलपमेंट रिटार्डेड होता है ना, क्या होता है इसमें और कैरेक्टर, तो और कैरेक्टर में मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, इसका क्या मतलब हुआ कि यह जो बच्चा जन्म लेगा वह मानसिक रूप से सही से विकास उसका नहीं, मंद बुद्धि का बच्चा होगा, मानसिक विकास सही से उसका नहीं हो पाता है, और मंगोलियन टाइप आईलिड होगा है ना, उसमें क्या होगा कि मंगोलियन टाइप है ना
आई लीड। देख मंगल के निवासी जो होते हैं ना, उनका आँख थोड़ा सा क्या होता है कि किनारे किनारे से बंद रहता है थोड़ा सा, तो इस तरह से वो फोल्डिंग मंगोलियन टाइप आई लीड फोल्ड यहाँ लिख देते हैं, है ना, मंगोलियन टाइप आई लीड है ना फोल्ड उसमें होता है। ये ध्यान रखना कि फोल्डिंग जो है वो मंगोलियन टाइप इसमें होगा। तो इस प्रकार से क्या है कि ये लक्षण इसमें पाए जाते हैं, और इसलिए इसको एक चीज़ और भी है कि डाउन सिंड्रोम को और क्या, तो एक तो बता दिया आपको हम 21st ट्राइसोमी, और इसलिए इसको मंगोलिज्म भी कहा जाता है। और क्या है तो मंगोलिज्म भी कहा जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। यही कारण है कि इसको हम मंगोलिज्म भी कहते हैं। अब देखिए इसका कारण, यह इस तरह का संतान उत्पन्न होने का जो प्राय कारण देखा गया है वह क्या है, तो काफ़ी अधिक उम्र में शादी करना। होता क्या है कि जब महिला शादी करना, या फिर एक कारण ये, या फिर ये कह सकते हैं कि काफ़ी अधिक उम्र हो जाने पर महिला के द्वारा संतान का जन्म देना, यानी उम्र अधिक होने पर जब उसमें गैमेट बनते हैं, वह गैमेट यानी स्पर्म या ओवम जो भी, जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट बनने में होता क्या है कि एक्चुअली आना चाहिए, अगर मान लीजिए कि ओवम है, ये ओवम है तो ओवम बनता है तो गैमेट तो हैप्लॉइड होते हैं, क्रोमोजोम की संख्या उसमें आधी होती है, तो उसमें 23 रहना चाहिए नॉर्मल। लेकिन जब सेल का डिवीजन होता है, बंटवारा होता है, तो उस दौरान हो सकता है, अब जैसे एक से दो सेल बना तो 23 और 23 आया बना, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी इसमें देखा जाता है कि एक सेल है जो ओवम बनने जा रहा है उसमें 24 क्रोमोजोम आ गया और एक में 22 ही क्रोमोजोम रह गया, यानी इसमें एक कम है माइनस है और इसमें एक क्या कि प्लस हो गया, एक बढ़ गया। तो अब ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि ओवम में 24 क्रोमोजोम है और नॉर्मल स्पर्म है 23 क्रोमोजोम, आई दोनों का संयोग होगा यानी फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो यह क्रोमोजोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी, माने एक बढ़ जाएगा। 23 रहता है, 23 होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन, तो 23 होना चाहिए, लेकिन ऐसा न हो करके वह ओवम में मान लीजिए कि एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा आ गया, तो स्वाभाविक है कि यह क्या होगा, 47 क्रोमोजोम। अब ये क्रोमोजोम आया कौन, तो सोमैटिक क्रोमोजोम जब आता है वैसी कंडीशन में, इसमें देखिए इसमें सोमैटिक क्रोमोजोम की बात है, सेक्स क्रोमोजोम में कोई डिस्टर्बेंस इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है कि ये डाउन सिंड्रोम है, और एग्जाम के थ्रू से इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और इस पर यदि कोई ऐसा लगे तो कमेंट कीजिएगा, हम आगे नया टॉपिक और लेकर के आएंगे जल्दी। ठीक है, शुभकामनाएँ, थैंक यू।